बताइए आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं दरभंगा ब्लास्ट केस की। बात दरभंगा ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन हुआ है। हैदराबाद में एनआईए की छापेमारी हुई है। आतंकी इमरान और नासिर मलिक के ठिकानों पर छापा मारा गया है। दोनों को ये गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों इमरान और नासिर वो लोग हैं जिन्होंने दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट को अंजाम दिया था। इन दोनों के ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। इसमें से एक आतंकी नासिर ऐसा है जो कुछ साल पहले पाकिस्तान से होकर आया है, आतंक की ट्रेनिंग लेकर आया है। और आइए आपको दिखाते हैं दरभंगा ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन आखिर कैसे निकल कर सामने आ रहा है। एनआईए ने दरभंगा ब्लास्ट के मामले में हैदराबाद से दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ में स्लीपर सेल वाली चाल का खुलासा हुआ है। डिकोड हुआ लश्कर का पार्सल बम प्लान। दरभंगा ब्लास्ट का कनेक्शन पाकिस्तान। बिहार के दरभंगा में हुआ धमाका तो छोटा था लेकिन साजिश बहुत बड़ी थी। लश्कर की साजिश थी हिंदुस्तान को दहलाने की और धमाका कर देश में दहशत फैलाने की। एनआईए ने हैदराबाद से लश्कर के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की तो डराने वाला सच सामने आया। दरभंगा ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर यूपी के शामली के रहने वाले थे। उनकी साजिश चलती ट्रेन में धमाका करने की थी और इसके लिए उन्हें पाकिस्तान के दहशतगर्दों से बाकायदा ट्रेनिंग मिल रही थी। सीमा पर सख्ती बढ़ी तो पाकिस्तान ने स्लीपर सेल बनाने शुरू कर दिए और वो स्लीपर सेल रिहायशी इलाकों में रहते हैं। जी हाँ, जो दरभंगा ब्लास्ट में नया खुलासा हुआ है वो ये है कि जिस नासिर और इमरान की गिरफ्तारी हुई है ये दोनों हैदराबाद के नामपल्ली के रिहायशी इलाके में रहते थे। कपड़ा कारोबारी बन के रहते थे, ये खुद को क्लोथ मर्चेंट बताते थे और अपने घर से ये कोई भी ऑपरेशन नहीं करते थे। जो नया अपडेट है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एनआईए ने जब इनसे पूछताछ की इनके घर पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला, वहाँ सिर्फ इनके क्लोथ मर्चेंट से जुड़े हुए जो रसीद थे और जो सामान थे वो मिल रहे थे। लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो पता चला कि उसी शहर के किसी इलाके में, इस बात का खुलासा कोई नहीं कर रहा है कि वो जगह कौन सी है, लेकिन ये एक अलग अपना उन्होंने एक डेन बनाया हुआ था, एक अड्डा बनाया हुआ था जहाँ पर ये एक्सप्लोसिव तैयार करते थे लोकल केमिकल से, जिसकी ट्रेनिंग इन्हें पाकिस्तान में दी गई थी। नासिर ने 2012 में ट्रेनिंग ली थी और 2021 में ये ब्लास्ट होता है, यानी 9 साल से वो एक कपड़ा का कारोबारी बन के अलग अलग शहरों में रह रहा था। पाकिस्तान से ऑर्डर मिला था और दरभंगा में दबा ट्रिगर। एनआईए अब आरोपियों को लेकर पटना रवाना हो गई है जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही पूछताछ में आरोपियों से कई अहम खुलासे हुए हैं। सामने आया है कि दहशत फैलाने के लिए लश्कर ने एक नया दरभंगा मॉड्यूल बनाया था। आईईडी और टाइमर की जगह सेंसर और केमिकल से हमले के लिए उसने ट्रेनिंग दी थी और इसके लिए उसे मिला था पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी हाथ। अब सेंसर बम के खतरे को आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉम्ब में इस तरह के सेंसर का सर्किट लगाया गया है जो कि तापमान के बढ़ने पर बॉम्ब को ट्रिगर कर सकता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी परिवहन के साधन में अगर किसी ठंडे प्रदेश से बम प्लांट किया जाए तो गर्म इलाके में आते ही ब्लास्ट कर जाएगा। इसी तरह से अगर नमी बढ़ने या घटने का सेंसर लगाया हो या फिर सूर्य की रोशनी आने या जाने का सेंसर लगाया हो तो परिस्थिति बदलने पर वो बम ऑटोमेटिक ब्लास्ट कर जाएगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक बड़ी साजिश है और सीधे तौर पर एजेंसीज की इस पर पैनी नज़र है। बिहार के दरभंगा में रेलवे स्टेशन पर 17 जून को एक विस्फोट हुआ था। पार्सल सिकंदराबाद से चलने वाली एक ट्रेन से आया था और विस्फोट के बाद कपड़े के बंडल में आग लग गई थी। धमाका भले छोटा था लेकिन आतंकियों का प्लान बहुत बड़ा था। जिस सीसी का इस्तेमाल हुआ जिसमें केमिकल एक्सप्लोसिव था, बताया जा रहा है कि उसके कैप में सेंसर लगा हुआ था और इस सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा था ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने के लिए, यानी पाकिस्तान सीमा पर होने वाली कड़ाई के बाद अब अलग अलग देश के हिस्सों में अपने स्लीपर सेल्स तैयार कर रहा है और वक्त आने पर हैंडलर्स इन स्लीपर सेल को ट्रिगर करते हैं और ये फिर अपने नापाक कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसे हर बार हमारा देश नाकाम कर देता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।